कानूनी जानकारी हम सबके लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये तब पता चलता है जब हमारे किसी करीबी या हम पर उस तरह का संकट आता है, हमें उसकी आवश्यकता के लिए लीगल जानकारी की जरूरत पड़ती है। सोशल मीडिया पर तमाम इस तरह के आपको वीडियो भी मिल जाते हैं जिसमें कानूनी सलाह कानूनी जानकारी मिलती है, वो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभकारी होती है। आज हमारे साथ इन सब विषयों पर एक चर्चित आशीष टावर जी हैं जो लीगल बाबा के नाम से सोशल मीडिया पर काफ़ी मशहूर हैं। कई लोगों की मदद अपने वीडियो के माध्यम से यानी चंद सेकेंड में कानूनी जानकारी देते हैं रील्स के माध्यम से, तमाम जगह पर इनकी वीडियोस वायरल हुई है। हमारे साथ लखनऊ में आज आशीष टावर जी मौजूद हैं। आशीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि कानून के अधिवक्ता भी हैं आप और हम देखते हैं कि लगातार सोशल मीडिया पर आप जागरूकता का एक अभियान चला रहे हैं, व्यापक अभियान, और इससे तमाम लोगों को राहत मिली है, तो किस तरह से हमारे चैनल के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि लीगल बाबा आखिर क्या कर रहा है? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप आए, आपने अपना टाइम निकाला, हमारा इंटरव्यू लिया एंड इतना प्रेज कर रहे हैं आप, सो इट फील्स रियली नाइस। बहुत अच्छा लगता है ऐसा सुन के कि बहुत ज़्यादा लोगों की मदद हो जाती है, कि एक एक मिनट के शॉर्ट वीडियोस में ही काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाती है, और ये सुन के जब फीडबैक आता है तो भैया अलग ही लेवल का वो जोश आ जाता है एंड वो मोटिवेशन के थ्रू हम दोबारा काम कर लग जाते हैं वीडियोज़ बनाने में। तो हम कहाँ पे थे आशीष जी? लीगल बाबा पे हम थे, चूँकि तमाम वीडियोस आपके वायरल भी हो रहे हैं जी, और तमाम हमने कमेंट्स को रीड किए तो लोगों ने बताया कि आपके वीडियो उनके लिए किस तरह से लाभकारी हुए और लीगल बाबा के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं। लीगल बाबा के बारे में, अच्छा मैं क्या हूँ? देखिए दोस्तों, मैं तो एक नॉर्मल सा एडवोकेट हूँ, और जिसने जो 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 जिसके अंदर एक पैशन भरा हुआ था, जोश भरा हुआ था टू डू समथिंग सम गुड फॉर द पब्लिक, तो मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहता था, स्टार्टिंग से ही करना चाहता था जी। और इट वाज बैक इन पैंडमिक, जब काफ़ी लोग घर पे थे और काफ़ी लोगों के पास काम नहीं था, और उनमें से मैं एक और व्यक्ति था जिसके पास काम नहीं बचा था क्योंकि कोर्ट कचहरी सब बंद हो गई थी, और जो वर्चुअल फेस भी आया वो भी काफ़ी बाद में आया कोर्ट कचहरी का। तो वही है, पैंडमिक में बैठे बैठे कुछ सूझ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा चलो कहीं से कुछ स्टार्ट करते हैं। तो एक आइडिया आया, क्रिएटिव सा आइडिया आया दिमाग में कि यार चलो सोशल मीडिया में काफ़ी दिन निकाल रहा हूँ अपना फ़ोन में, तो वाई नॉट टू यूटिलाइज इट इन गुड वे, और जिससे पब्लिक की भी मदद हो, जो कि मेरा एक अलग ही पैशन था। अब मैं कानून की जानकारियां थी मेरे पास काफ़ी, तो मैंने कहा चलो इसको ही यूटिलाइज़ करते हैं, सोशल मीडिया को एक साधन बनाते हैं और लोगों तक पहुंचते हैं, लोगों तक कानून की जानकारियां पहुंचाते हैं, क्योंकि यार मैं अपनी ज़िंदगी में जब से मैं एक एडवोकेट बना हूं तो मैंने देखा है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता यार, ये जो लॉयर्स की फ़ीस होती है, वकीलों की फ़ीस होती है, और एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सा लगता है जब ऐसे लोग ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते और काफ़ी लोगों से धोखा खा लेते हैं या काफ़ी नुकसान खा लेते हैं। आशीष, मैंने यही सोचा कि इन जानकारी को देने के बदले में अधिवक्ता हमसे एक फीस लेते हैं जी, न्यायालय में एक केस फाइल बन गया, यानी अधिवक्ता जब जब केस लड़ता है तो एक अथॉरिटी लेता है जी, वो भरते हैं, उसके बाद उसके केस की जानकारी की बातें से शेयर करते हैं जी, फीस लेने के बाद। जी कैसे दिमाग में आया, जैसे पैंडेमिक आपने बताया किस तरह जी घर में थे सभी, तो कहीं ना कहीं ये समाज सेवा सूची, लेकिन क्या इसकी इसका किस चीज़ से प्रभावित हो गए, कोई ऐसा विषय जो आपने देखा हो उस समय जो लगा, जैसे कि आपने बताया कि सामने वाला था वो फीस को अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस तरह की चीज़ें आप देख रहे थे? नहीं, मैं बिल्कुल समझ गया आपकी बात, और मैं आपको इंसिडेंट्स भी बताता हूँ कि भैया ये क्रिएटिव मामला कैसे आया मेरे दिमाग में। मैं काफ़ी जब पैंडमिक आया और लोग बाहर निकल रहे थे, लेकिन सरकार ने तो भैया अपना मना कर दिया था कि आपको बाहर नहीं टहलना, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि भैया बाहर क्यों नहीं टहलना, क्योंकि ये चीज़ बड़ी अनएक्सपेक्टेड थी, हमारे देश में पहली बार हुआ ये चीज़, और काफ़ी लोगों को अपने काम के लिए बाहर निकलना पड़ता था, बट लोगों ने जब सरकार ने एक नोटिस जारी कर दिया,
और एक यू नो नोटिफिकेशन दे दी, पब्लिकेशन दे दी बाय अ पब्लिक ऑफिसर, पर लोग उसको यू नो बाहर निकल निकल के तोड़ रहे थे वो कानून। तो वहीं से मेरे दिमाग में आया कि यार लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस थिंग। हम लोगों को एजुकेट करते हैं इसके बारे में कि भैया आपको बाहर क्यों नहीं निकलना, उसके पीछे क्या कानून है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है। तो दैट वाज माय वीडियो जहां से मैंने स्टार्ट किया और ये क्रिएटिव आइडिया आया बिकॉज मैं खुद बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन हमारे पास एक सोशल मीडिया साधन था जिसकी वजह से हम एजुकेट कर सकते थे लोगों को। तो मैंने स्टार्ट कर दिया अपनी यू नो वीडियो बनाना। अच्छा आशीष जी, देख रहे होंगे आप इन दिनों महिलाओं की काफ़ी समस्याएं आती हैं, महिला कभी दहेज से प्रताड़ित हैं जी, कभी घरेलू हिंसा से प्रताड़ित हैं, तो तमाम बार ऐसा भी होता है कि पति भी प्रताड़ित है जी, पुरुष भी प्रताड़ित जी। तो एक महिला के लिए कानूनी सलाह और एक पुरुष के लिए कानूनी सलाह हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आते। देखिए मैं शुरू से बोलता हूँ कि जो कानून है वो थोड़ा इंक्लाइंड है महिलाओं की तरफ, क्योंकि ऐसा है ना कि हमारे पास्ट हिस्टोरिक चीज़ें देखी जाएं तो उसमें यू नो महिलाओं ने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है ड्यू टू लैक ऑफ दीज लॉज। मतलब ये कानून नहीं थे तब, और तब महिला बड़ा यू नो सफ़र करती थी डोमेस्टिक वायलेंस से, जैसे कि उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा से, या फिर दहेज की चीज़ों से बड़ा सफ़र करती थी। बट यू नो जस्ट टू कीप बैलेंस दिस, मेरा ये खुद का मानना है कि आजकल के टाइम में जहाँ इक्वालिटी का बड़ा जोर है, तो मेरे हिसाब से मेल के लिए भी वैसे लॉज होने चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक तरफ नहीं हो रहा आजकल। आजकल क्या हो रहा है कि आजकल जो पति हैं वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, पत्नियां तो थी पहले से, पति के साथ साथ पति के घर वाले भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, कई कई ऐसी पत्नियां निकल आती हैं जी। आशीष जी लखनऊ आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, लखनऊ वासियों से, देश की राजधानी दिल्ली में आप रहते हैं, वहाँ के लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश या मैसेज देना चाहेंगे? यार देखिए लखनऊ नवाबों का शहर है और वो चीज़ नवाबियत जो होती है वो मैंने देख ली है यहाँ आके। तो मैं पर्सनल लेवल में बोलना चाहूँगा, हर चीज़ में मैं कानून नहीं डाल सकता जी, मैं पर्सनल लेवल में बोलना चाहूँगा, मुझे आपके लखनऊ का खाना बहुत ही अच्छा लगा है और मैं बार बार लखनऊ आऊँगा, गला खराब करवा लूँगा लेकिन खाना नहीं छोड़ूंगा, खाना ज़रूर खाऊँगा आपके लखनऊ का। सर चैनल के बारे में हमारे क्या कहना चाहेंगे? देखिए आपके चैनल के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा भैया, मैं बड़ा आभारी हूँ विक्रम जी का फ्रॉम रजत एक्सप्रेस, और रजत एक्सप्रेस यू नो एक उभरता हुआ न्यूज़ चैनल है और यू नो इनकी वीडियोस भी बहुत अच्छी लगती है मुझे, मैं रोज़ देखता हूँ, और ये जितनी भी जानकारियाँ देते हैं वो बड़ी अपडेटेड देते हैं। सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद योर चैनल एंड यू नो मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, इंटरव्यू लिया और आपने मेरे साथ अपने दो शब्द शेयर किए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ आशीष रावल जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि महिलाएं और जो कानूनी जानकारियां हैं वो किस तरह से आपको आसानी से मिल सकती हैं, लीगल बाबा आपके हर समस्याओं में कानूनी सलाहकार बनके सोशल मीडिया पर बिना किसी फीस के आपकी मददगार बने हैं। और उन्होंने बताया कि किस तरह से कोविड टाइम यानी कि जो पैंडेमिक रहा है उस समय इनके दिमाग में विचार आया, जिस वजह से इन्होंने सोशल मीडिया पर इस अभियान की शुरुआत की। आज हमारे साथ खास मेहमान थे जिनसे हमने बातचीत की और आज लखनऊ आए थे जहां हमने आपको उनसे मिलवाया कि किस तरह से लीगल बाबा आपको हर समस्याओं का समाधान दे रहा है, उसके साथ साथ किस तरह से आपको ये भी बता रहा है कि छोटी से छोटी घटना से आप प्रशासनिक मदद किस तरह से ले सकते हैं और कानून का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। आज बातचीत में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी खास मेहमान के साथ।